हेलो स्टूडेंट, एस्टीमेट की आज क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में हम सब पट्टे वाली संपत्ति कहते हैं, और साथ में कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, और इन दोनों प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। इसमें हम बात करेंगे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है और ये क्या होती है। अगर हम बात करें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी संपत्ति पर, मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, आपका कोई खेत है, यदि किसी संपत्ति पर आपका ही पूरा अधिकार है, यानी पूर्णतः आपके कब्जे में है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आपका प्लॉट है या कोई आपका खेत है, तो उस पर मालिक का ही पूरी तरह से अधिकार हो, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी प्रॉपर्टी पर पूर्णतः मालिक के कब्जे में हो या मालिक का पूरी तरह से उस पर अधिकार होता है, तो उसे हम कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कंप्लीटली मालिक के कब्जे में हो। मालिक के कब्जे में होने से मतलब यह है कि मालिक का पूरी तरह से उस पर अधिकार है, किसी और व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसी प्रॉपर्टी, या इसको हम क्या कैसे कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर मालिक यानी ओनर का पूरा अधिकार होता है, उसे हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। बात समझ में आई? अब बात आती है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी यह है कि जब किसी संपत्ति का मालिक, मान लीजिए आपका कोई खेत है, आपने सुना होगा गांव वगैरह में अक्सर हम कहते हैं कि हम खेत पट्टे पर ले लेते हैं, है ना। उसका मतलब क्या होता है कि हम कुछ समय के लिए, साल भर के लिए हमने खेत ले लिया है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज करेंगे, पर हम एक जनरल एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें, क्योंकि हम अक्सर ग्रामीण से हम बिलोंग करते हैं, तो हम यहां से इस तरह जान सकते हैं कि अगर आपको कोई खेत है और उस खेत को आप क्या कर रहे हैं, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, यानी आप उसमें खेती नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, साल भर के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं और आप कहते हैं कि पट्टे पर खेत लेना, कहते हैं ना। तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उस खेत को यूज कर रहा है और फसल कर रहा है, और आपको एक साल का किराया दे रहा है, यानी एक साल का उसका मूल्य दे रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति, यानी जब कोई मालिक जिसकी वो संपत्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति कुछ निश्चित नियम व शर्तों के आधार पर दे देता है, तो उस संपत्ति को, यानी उस संपत्ति को जो लीज दे दी गई है, जिसको पट्टे पर दे दिया गया, उसी संपत्ति को हम क्या कहते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखें, यदि प्रॉपर्टी का ओनर निश्चित, यानी जो प्रॉपर्टी का ओनर है, तो यदि प्रॉपर्टी का ओनर निश्चित नियम व शर्तों के आधार पर अपनी संपत्ति को यूज करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब हम ये सीखे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि संपत्ति पूरी तरह से मालिक के कब्जे में है और मालिक ही उसको यूज कर रहा है, मालिक का ही पूर्णतः अधिकार है। हम कहें कि अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई संपत्ति निश्चित नियम व शर्तों के आधार पर, उसके कुछ हमारे एग्रीमेंट होते हैं, उस तरीके के हम निश्चित नियम और शर्तों के आधार पर हम अपनी संपत्ति को यूज करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहें, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आगे अगर बात करें इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो यहां पर देखिए, बोला जाता है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ओनर जो है वो क्या कहलाता है। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ओनर है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री होल्डर। क्या कहते हैं उसको? तो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ओनर है उसे हम कहते हैं फ्री होल्डर कहलाता है। तो यहां पर देखें, सेंटेंस मैंने यहां पर पूरा किया है क्या, कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ओनर फ्री होल्डर कहलाता है। अब बात करें, अगर इस टॉपिक पर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं, तो वो भी, उसके लिए भी हमारा लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो यहां से कुछ पॉइंट्स बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखें, पूछता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी को लीज पर देता है, यानी कोई, यानी आप कह सकते हैं कि फ्री होल्डर को हम क्या कहते हैं, यानी मैं अगर अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, तो टेक्निकल टर्म में उसे हम कहते हैं लेसर। क्या कहते हैं? लेसर। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो काफी हमारा एमसीक्यू वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के सवालों में आपको देखने मिलता है, क्या कहते हैं उसे, लेसर, ठीक है। तो लेसर अगर आपसे बोला जाएगा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लेसर वो पर्सन है, वो व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति को लीज पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। अब बात आती है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ओनर क्या कहलाता है, तो जो व्यक्ति संपत्ति को ले रहा है, लीज पर ले रहा है, उसे हम कहते हैं लीज होल्डर। क्या कहते हैं उसको हम? लीज होल्डर कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं लीज होल्डर। क्या कहेंगे? लीज होल्डर कहेंगे, ठीक है।
अब दूसरा आता है कि भाई जो व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी ले रहा है उसे क्या कहेंगे। हमने कहा कि प्रॉपर्टी जो लीज पर दे रहा है, अपने प्रॉपर्टी को किसी को प्रोवाइड कर रहा है लीज पर, तो उसे लेसर कहते हैं। जो व्यक्ति ले रहा है उसे क्या कहेंगे, तो जो व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को लीज पर लेता है यूज करने के लिए उसे हम कहते हैं पट्टेदार, हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? पट्टेदार। तो पट्टेदार को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको जनरली हम यूज करते हैं टर्म, टेक्निकल टर्म लीजी। क्या कहते हैं? लीजी कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। ये एक टेक्निकल टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं? लीसी। तो लेसर क्या हुआ? जो प्रॉपर्टी को लीज पर प्रोवाइड कर रहा है, और लीसी क्या हुआ? जो प्रॉपर्टी को लीज पर ले रहा है। अब बात करें, देखें, अगर आप इसको टेक्निकल टर्म में, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में देखें, तो हम जैसे देखते हैं कि कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम, अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और वहां पर किसी एरिया की, किसी दूसरे एरिया की फैक्ट्री या कहीं बाहर की फैक्ट्री हमारे यहां आती है, हमारे आसपास के लोकल एरिया में आती है, तो वो क्या करे कि जमीन को देखती है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ले, कुछ समय के लिए क्या करे उस प्रॉपर्टी को लीज पर लेना चाहती है। तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाएंगे, आप प्रॉपर्टी को आप हो जाएंगे लेसर, और जो व्यक्ति, जो कंपनी आपकी प्रॉपर्टी को लीज पर ले रही है, वो क्या हो जाएगी? लीसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हम किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे हम कोई कोई दवाइयों की कंपनी है आके हमारे यहाँ, कोई दूसरी तरह का कोई प्लांट आ रहा है तो कुछ समय तक के लिए वहां लेना चाहता है प्रॉपर्टी को टेम्परेरी तौर पर, जैसे कि 5 साल 10 साल 20 साल या 50 साल, जितने टाइम के लिए हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं। खैर, यही चीज जो लीज का काम है, यही हमारा देशों के बीच में भी होता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया, अगर किसी दूसरे देश में कोई अपना बिजनेस सेट करना चाहती है या कोई कंपनी वहां खोलना चाहती है, तो उस कंडीशन में उस देश की प्रॉपर्टी को लीज पर लेते हैं, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के हमारी लीज है। अभी हम बात करते हैं, तो अगर आगे बात करें कि भाई जो फ्री होल्डर है वो तो प्रॉपर्टी का ओनर है, तो उसे क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? तो देखें, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो प्रॉपर्टी को क्या क्या कर सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा होगा प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकता है। डेवलप का मतलब है उस प्रॉपर्टी को विकास कर सकता है, यानी आप चाहे वो क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। दूसरा, वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को बांट सकता है, यानी कि किसी को भी बांट सकता है, उसको अधिकार है भाई, प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसको पूरा अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, और क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को दान भी दे सकता है, एक्सेट्रा। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भाई प्रॉपर्टी सेल को मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूट लिख दिया है, तो यहां पर लिख देते हैं कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, और यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टी को वो बांट सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अभी हमारा ठीक हो गया अकॉर्डिंग टू ये पहले से मैंने जो लिखा हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का मैंने क्या बताया कि यदि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ओनर प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकता है, बेच सकता है, उसको सेल कर सकता है, या फिर उसको बांट सकता है, दान दे सकता है, क्योंकि उसका पूरी तरह से अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें लीज्ड प्रॉपर्टी का जो मालिक है उस प्रॉपर्टी को, उस नियम व शर्तों के अनुसार वो किसी को, ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी को किसी की प्रॉपर्टी को हमने लीज पर ले लिया और उसको हम फिर किसी को दान दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। या हम किसी को बांटना चाहे तो नहीं दे सकते, या हम उसको बेचना चाहे तो भी हम नहीं कर सकते। तो वही बोला गया कि निश्चित नियम व शर्तों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई लीज जो हम लेते हैं वो कितने कितने टर्म की लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हमें देखा जाता है कि जब भी आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, और अगर आप इस टॉपिक की कभी थ्योरी लिखना चाहेंगे तो इस तरह के पॉइंट्स को अगर आप कंसीडर करके थ्योरी लिखेंगे तो आपकी थ्योरी जो होगी काफी इफेक्टिव होगी। तो लॉन्ग टर्म की लीज आपसे पूछा जाएगा कितने साल की होती है, तो लॉन्ग टर्म की जो लीज होती है वो 99 ईयर की हमारी होती है। कितने? 99 ईयर की। अगर हमसे कहेंगे ना कि लॉन्ग टर्म की लीज चाहिए, इसका मतलब ये है कि 99 ईयर की लीज होगी। दूसरा यहां पर है एंडलेस या परपेचुअल। एंडलेस का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय की, यानी अनंत काल की, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो एंडलेस या अनंत काल जिसे हम कह रहे हैं, या परपेचुअल लीज आप कितने साल की लेते हैं, तो वो होती है हमारी 999 साल, ठीक है। जी हां, 999 साल की हम क्या करते हैं परपेचुअल लीज का हमारा क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर बात करें बिल्डिंग लीज की, अगर बात करें तो बिल्डिंग लीज की जो हमारी टाइम ड्यूरेशन है वो हमारी 99 से लेकर, अगर आपको पूछा जाता है कि बिल्डिंग लीज हम कितनी साल की लेते हैं, तो 99 से 999 तक की, यानी लॉन्ग टर्म की लीज भी बिल्डिंग पर ली जा सकती है, या फिर हम परपेचुअल लीज भी हम ले सकते हैं। अगर इंडिया में बात करें लीज का, तो 0 से यानी कि 9 साल तक का हमारा रहता है, और जनरली आपको 999 साल तक का भी देखने को मिलता है। तो इंडिया में अधिकतम लीज का टारगेट जो हमारा 99 साल तक का है, लेकिन 999 तक हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये हमारा था
कहा कि लीजोल्ड प्रॉपर्टी, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ओवरऑल क्या समझा, मैंने कहा कि फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरी तरह से मालिक के कब्जे में है, यानी मालिक का ही उस पर पूरा अधिकार हो, यानी आपका प्लॉट है तो आपका पूरा अधिकार है, तो आपकी प्रॉपर्टी जो होगी वो फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आपने अपने प्लॉट को किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए दे दिया निश्चित नियम व शर्तों के आधार पर, तो आपकी प्रॉपर्टी होगी पट्टे वाली संपत्ति, यानी लीजहोल्ड प्रॉपर्टी होगी। आपने प्रॉपर्टी को लीज पर दिया है, आप हो गए लेसर, जिसने प्रॉपर्टी को लीज पर लिया है वो हो गया लीसी। आप प्रॉपर्टी के ओनर हो, आप कहलाओगे फ्री होल्डर, जिसने प्रॉपर्टी को लीज पर लिया है वो कहलाएगा लीज होल्डर। आप प्रॉपर्टी के ओनर हो, आपका प्रॉपर्टी पर अधिकार है, तो आप प्रॉपर्टी को बांट सकते हो, बेच सकते हो, दान कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, लेकिन ऐसा जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ओनर है वो किसी प्रॉपर्टी को लीज पर लेने के बाद बेच नहीं सकता, दान नहीं कर सकता या बांट नहीं सकता, ठीक है। अगर डेवलप कर सकता है, लेकिन उसको मैंने कहा निश्चित नियम और शर्तों के आधार पर, जो भी हमारा डिसाइड होता है उसके अनुसार हमारी ये बात होती है। दूसरा पूछा जाता है कि लॉन्ग टर्म की लीज या एंडलेस लीज या परपेचुअल लीज किसने कितने समय की होती है, तो ये आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स यहां से हमारे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो यहां पर हमने समझ लिया कि लॉन्ग जो लीजहोल्ड प्रॉपर्टी और फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में क्या अंतर है। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं तो मैं यहां से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करके हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारी कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम लिंक का आपको दिया गया है, ठीक है, तो आप उसको हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं। अगर आप इस चैनल की सभी वीडियोज देखना चाहते हैं तो आपको ऐप पर जाना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हो गया।